अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास अब समाप्ति पर है। 16 अगस्त को पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। अब तक आप श्रवण कर रहे थे वाल्मीकि मुनि से राजा दृढ़दंडवा द्वारा पूछे जाने वाले पुरुषोत्तम मास व्रत नियम उद्यापन त्याग की विधि के बारे में। आइए अब श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 27। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सापत्नी राजा दृढ़दंडवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़दंडवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायकाल हो गया है। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़दंडवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आए। घर जाकर अपनी गुड़सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़दंडवा बोला, अय सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्स्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस आसार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुड़ सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता से युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़ अपने पति से बोली। गुड़ सुंदरी बोली, हे राजन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के घर में रहती है वह स्त्री पुत्र वधु के अधीन हो पराए घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता और भाई थोड़ा ही देते हैं, अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री ना जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर अपनी पत्नी सहित तपस्या करने लगा। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित होकर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा को पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्यचकित हो गया। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल पुरुषोत्तम के मास के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर से अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया
लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुँचा दिया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करते हैं वे कितने महामूर्ख हैं, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है। जो श्री पुरुषोत्तम मास की विधि के साथ स्नान दान जप हवन उपवास करता है। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार में सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथा अमृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान का दान नहीं किया और वैतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैदती योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं किया, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतप से दुखी दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्ना मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदरे ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली ऐसे भर गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर्य, समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उसे कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं गया। वह अत्यंत दुर्बल कदर उस वाटिका के फलों का आनंद से अच्छी तरह से भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यह चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसको विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर के वास करते
87 वर्ष बीत गए। वह मुड़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिली। बिना भोगे पाप का नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बदबुद्धि बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य, मुझ दुष्ट कदर के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सागर से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को ही दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया, तब मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भी मैंने पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में, ना ही गंगा के जल का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागढ़ के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को कभी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरंतर गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अपने अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना तो बांधवों को, ना सज्जनों को, ना बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना पिता माता छोटे भाई को, ना पतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है, धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया। मालिक विश्वास बनाकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो जो पके हुए फल थे उनको खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप है। हे प्रभु, यह दो पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें कई प्रकार के पाप हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा, यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में होगा। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 27 संपूर्ण हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 1 से 26 की कथा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट अधिक मास अध्याय में जाकर श्रवण कर सकते हैं। अगला अध्याय अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।